नासिक में आए हुए, जैसे कि हम ज़्यादा साइड में देखा ये दुकान की कि हमको चाट की, जो कि मेरे एक दोस्त ने रेफरेंस करा था कि इधर एक आलू की चाट मिली है भैया के पास, बहुत बढ़िया। तो आज हम खाने आए, भैया का नाम और फिर भाई के पास आए हम, सॉरी। तो आज भाई आलू चाट खिलाएंगे हमको, चलो भाई बना। तो कितना टाइम लगेगा चाट, कितने सेकंड में बना सकते हैं? दो मिनट में भाई बता रहे, बना देंगे उससे फास्ट करके, जल्दी बना। मीडियम मीडियम मीडियम। तो भाई का पहले पहले आलू काट दिए चॉपिंग करके, ये दम आलू टाइप से करें, इसको आलू चाट बोलते हैं भाई। हाँ, जैसे कि आलू को बॉईल करके, हाँ, गरम मिर्ची के अंदर, जैसे कि जो स्टाइल है, अगर आप नॉर्थ इंडियन हो तो एक आलू फ्राई चाट करके देता है, तो वैसा भी एक स्टाइल है। और ये थोड़ा भाई ने इधर टच ऑफ किया है महाराष्ट्र के लिए, इसको आलू सिर्फ आलू चाट बोलते हैं भाई ने, मसाला वसाला डाल दिए। कौन सी चटनी भाई? इसको आमचूर बोलते हैं। ये आमचूर की चटनी डाली है भाई ने और ये मिक्स कर दिया है। ये इमली का पानी, इमली का पानी, गुड़ का पानी, इमली का पानी, ये इमली का और गुड़ का पानी दोनों का कंबाइन कर दिया है इन्होंने भाई ने। ये मिक्स कर रहे हैं भाई अभी, दे रहा दे रहा। और ये मुँह में पानी आ रहा है देख के भाई ने, अभी रेडी कर दिया भाई। ये क्या प्लेट है? आलू चाट 30 रुपये। ये 30 रुपीज़ प्लेट है आपको, 30 रुपीज़ प्लेट। ये हो गया थोड़ा सा इनका टचअप, फाइनल टचअप देते हैं भाई। और ये प्लेट इसके सामने देखिए, और गुड़ का बना है। देखिए हमने आलू चाट ले लिया, अभी टेस्ट करके बताते हैं टेस्ट कैसे। जैसा कि नाम से चटपट है, आलू चाट नाम है तो उसका चटपटा चाट है। कैसा लगा आपको? एकदम बढ़िया। और ये जो हमारे कैमरा मैन है, उनका रेफरेंस था ये रजा भाई का, और इन्होंने रेफरेंस, इनका जो रिजल्ट था, रेफरेंस का रिजल्ट अच्छा निकला, तो कि मैं खा के टेस्ट करके बता रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लगा, अनप्लैंड ये जो था आज हमारा, रजा भाई ने बोले हमको चलो यहाँ पर चाट अच्छा मिलता है जो सब लोग विजिट करें। भाई का नाम क्या है? केज भाई का, केज भाई का जो चाट मिलता है काफ़ी फेमस। और इनका कहना है दुकान का नाम नहीं है, अल्लाह करम के नाम से दुकान बहुत चलती है, इसे नाम नहीं रखा, लेकिन हम इनका जो कैफ भाई का, कैफ भाई की चाट से इनका नाम रख रहे हैं। अगर ये चाहे तो रिफ्रेंस में आप कभी भी आओगे तो आपको वाडाले वाले रखता है, वाडाले रखता है तो आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ विजिट करिएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम आए खास नासिक में शोरमा खाने, टेस्ट करके बताएंगे आपको शोरमा कैसा है, तो वीडियो में बने रहिए। ये A1 का शोरमा है, नासिक में फेमस है। और जो इन्होंने मैगनेट और चिकन मैगनेट कराया है, अच्छे से बनाया है, टेस्ट भी बढ़िया है। ऐसा नहीं ज़्यादा स्पाइसी या मिर्च मसाले ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल है, ठीक ठाक है, खा सकता है हर कोई इंसान। तो आप प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है इनका, 50 रुपीज़ में एक नॉर्मल शोरमा दिया जाता है, और जो 50 रुपीज़ के हिसाब से इन्होंने जो क्वालिटी रखा है बहुत बढ़िया रखा है। नासिक में आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसा रेट, और जैसे कि आज मौसम भाई हम खास लाए शोरमा खिलाने के लिए, और ये बोल रहे हैं नहीं 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 मैं ही पैसे दूंगा, नहीं तो तुझे मारूंगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला ये बोला जो भी आज जो भी आज विक्की पता जो भी आज विक्की भाई है हमने यार। तो आप 5 में से कितने मार्क देना चाहोगे? मैं तो 5 में से 5 दूंगा, क्योंकि नासिक नासिक में ऐसा शोरमा है नहीं। बात ये भी सही है, और क्वालिटी देखो अच्छे प्राइस में मिल रहा है शोरमा खाने के लिए, तो और क्या चाहिए। चलिए 5 में से 5 दिए भाई ने, और मान लग खिला रहे हैं तो हम खा रहे हैं, तो 5 में से 5 हम भी देने चाहिए। मिलते हैं आपको अगले स्ट्रीट फूड। ये मसाले की सोडा आप एक बार पी के देखिए, इतना जबरदस्त मसाला है कि एकदम मजा आ जाएगा। तो गाइस अभी हम आ गए
पूरा जंक्शन में, जैसे कि अभी आपने आगे शोरमा और आलू चाट खाया, तो उसके बाद पेट में जगह नहीं है तो उसको हजम करने के लिए सोडा तो चाहिए, तो इसके लिए अभी हम आए सोडा जंक्शन में। तो भाई आपका नाम है? आदिल। तो आदिल भाई आज हम आए माना रहे हैं मोजी को, देखते मोजी तो कैसा बना रहे हैं भाई, क्या क्या डालेंगे भाई? भाई जो पूरी आता है, पूरी फ्रेश आता है। ठीक है भाई बना रहे हैं, आप देखते हैं कैसा बनाते हैं, टेस्ट करने के बाद आपको रिव्यू भी देंगे इसमें कैसा बन रहा है। भाई इसका रेट क्या? इसका रेट 20 रुपये। और बाकी सबका रेट अलग ऊपर नीचे है क्या? सबका अलग। ओके भाई जी काटते हैं, डाल दिया है क्योंकि आप देख सकते हो उधर ये नासिक रोड की साइड में ही है, एक बार दिखा दी कैमरा में। अच्छा अरे वाह, तो यार PVR देखो उसकी नेक्स्ट ना भी मिल जाएगा के लिए कि निकाल दिया इन्होंने। और ये कुछ बड़ा, और ये कौन सा है? ये लिमका डालेंगे अभी, और ये लिमका डाल दिया हल्का, ये बनाओ हाँ लिमका मेरे सादा लिमका मारो, हाँ सादा लिमका वो नहीं अच्छा लगे, ये नहीं अच्छा लगे, नींबू वो डाल के दे, हाँ नींबू डाल के हो गया भाई, हो गया। चलिए इसका रिव्यू देंगे आपको। क्या बात, अप्रतिम चमक। हाँ सब खाने के बाद अगर आपको ऐसा सोडा मिल जाए तो आपकी जो चैन की नींद है वो सही में चैन की नींद हो जाएगी। और ये पीने के बाद जो पीने का रिव्यू है मुझे बहुत बेहतरीन लगा, तो मैं आप चाहूँगा प्लीज़ आप इनके इधर विजिट करिएगा। जो आज का ब्लॉग है आप इसी के साथ एंड करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर का बटन दबाइएगा और ना भूलिएगा अगला ब्लॉग आएगा इसके लिए। चलिए चलते आज के लिए एंड करते।